शाम को शायद मैं उसके बाद एक दो बाइक देखने जाऊं भी। कि पीछे कोई सा एक्सीडेंट हो गया किसी का। I'll get everything except olives and the pickles. हाँ तो भाई लोग कैसे हो सारे, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। यार बड़े दिन हो गए हैं व्लॉग वगैरह शूट किया नहीं है। यार आजकल बिजी हो गया हूँ, थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है, पर आज टाइम मिला है और आज तुम्हें बता देता हूँ पहले मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आज है मेरा बाइक का लाइसेंस का टेस्ट। तो उसका ये सीन है, जैसे मेरे पास है तो है बाइक लाइसेंस। अब जैसे यहाँ पे होता है ना, पहले जैसे एल होता है, जैसे लर्नर वाला होता है बाइक वाला, तो उसमें तुम्हें 30 घंटे करने होते हैं या 3 महीने करने होते हैं, कुछ ऐसा होता है। लर्नर के लिए दो दो दिन वो करना पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, 2 दिन का कोर्स वो होता है, शायद 600 या 700-800 डॉलर का होता है वो। वो मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे पास इंडिया वाला लाइसेंस है, तो मुझे उन्होंने लर्नर करने से एग्जेम्प्ट कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद वो नहीं किया मैंने, तो मैंने किया आरी वाला। आरी वाला आता है सेकेंड, वो उसमें होता है कि तुम 600 cc तक बाइक चला सकते हो, तो वो वाला तो मेरे पास अभी है, तो वो किया था मैंने। उसका टेस्ट था जैसे 6-7 घंटे, एक दिन लग ही जाता पूरा उसमें। तुम्हें कितने का था, 250 डॉलर का था शायद, 250 कितने का था। तो उसमें तुम्हें यही होता है कि तुम्हें वहाँ पे वो अट्ठी नहीं बनवाते हैं, वो 8 बनवाओ, फिर यहाँ से जाओ, ब्रेक लगाओ, यहाँ पे यहाँ रुकना है, ये करना है, तो कौन शोन से ऐसे ऐसे होते हैं थोड़े बहुत टास्क वो करने थे पार्किंग लॉट में, वो होता है। और उसके बाद तुम राइड पे जाते हो, तो जैसे तुम लीड कर रहे हो, फिर वो इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर भी होता है तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं सेम बाइक पे। जैसे इंस्ट्रक्टर होगा पहले, सबसे आगे वो चलता है, फिर उसके पीछे तुम जैसे 4-5 बाइकें सारे चलते हैं, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्टर पीछे आ जाता है, फिर वो एक बंदा होता है उसको बोलता है तू लीड करा, फिर उसके दूसरे के बारे में तू लीड कर, तू लीड कर, तो ऐसे वो चेक करता है कि तुम कैसे कॉर्नरिंग कर रहे हो, तुम कैसे चला रहे हो, वो ही देखता है। तो वो तो मेरा हो गया, तो उसको तो मेरे जब 2 साल हो गए, तो उसके बाद होता है कि जब तुम्हें उस लाइसेंस के 2 साल हो जाते हैं, तो तुम ओपन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, जिसको बोलते हैं आर। तो अभी मेरा आज उसी का टेस्ट है, तो उसी का टेस्ट देने जा रहा हूँ। 8:30 बजे है, अभी 7:40 हो गए हैं। तो ये भी मुझे पड़ा था, कोई 220 तक का पड़ा था, और इसमें था कि बाइक भी उनकी, मुझे बस जाना है और टेस्ट देना, और वो ये वाला टेस्ट 3 घंटे का ही है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, बस देखेंगे कि तुम हाई वाली सीसी वाली बाइक चला सकते हो कि नहीं, क्या है सारे पास हो जाते हैं, इतना कुछ नहीं। अभी आया था यहाँ, सबवे ले लिया, बल्किंग स्टार्ट हो गई है, अब सबवे ले लिया, दोपहर का देखेंगे क्या खाना है। पहले ही आते बोल, अभी आया व्लॉग बनाने हैं और पहले इतनी ज्ञान पेल दिया। ज्ञान तो क्या, मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है। तो मेरा 8:30 बजे वो है, मुझे 1 घंटा लगना था घर से, अभी मुझे 40-45 मिनट लगे तब तक मैं पहुँच जाऊँगा। चलो निकलते हैं, फिर लेट ना हो जाए, फिर ये भी खाना है सब्वे आते आते, फिर तुम्हें आगे दिखाते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। हाँ और एक और बात बतानी थी, अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है लाइफ में, इसलिए मैं बिज़ी हो रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने छोड़ दिया है, पर मुझे टाइम नहीं मिलता यार आजकल, थोड़ा बहुत ज़्यादा काम होता है। और शाम को धूप आ रही है, शाम को शायद मैं उसके बाद एक दो बाइक देखने जाऊँ भी, देखता हूँ क्या प्रोग्राम बनता है, तो तुम्हें मिलते फिर। भाई लोग पहुंच गए हैं, वो है वहां पे, वो दिख रही है बाइक छत पे लगाई हुई है उन्होंने, अभी पहुंच गया, अभी देखते हैं क्या सीन है, बाकी तुम्हें मिलते हैं मेरा आगे।
Queensland Transport and Main Roads, you are accepting the associated risks of riding a motorcycle. You agree and acknowledge that motorcycle riding and its associated activities are potentially dangerous. तो भाई लोग ट्रेनिंग खत्म होगी वहाँ पे, सुनाई दे नहीं रहा कुछ। अब हम जा रहे हैं
I'm not going to stay here, it's too busy. All we're going to do is go down to the next intersection. It's about 100 metres that way. Turn right, follow that road all the way up until we see a sign that says... ये देखो भाई लॉन्ग व्यू अभी मैंने एयरफोन लगा लिए वाले एयरफोन नहीं लगाए थे यार चलो अभी और राइड बची है पता नहीं आवाज कैसी आ रही है ठीक ही आ रही है ओहो और बैठा तो अपने तो अभी तक तो मैं बता देता हूँ क्या चीज का वहाँ पे यू बड़ा सच्ची आ रहा है मुझे आ रहा हूँ क्या वो बस एक बार वहाँ से स्टॉप किया वहाँ से निकले स्टॉप किया थोड़ा एक्सप्लेन किया अपनी मैसेज वो गवर्नमेंट वाली होती है हमारे होती है उसकी रेगुलेशन होती है बताना ये मतलब बताना कोई बता देते हैं या मिल जाएगा जाएंगे वहाँ और थोड़ा ज्ञान ले लेंगे मतलब अपनी बाइक ले जाए आगे जाने के बाद नहीं वो इन्होंने ली है बाइक मुझे तो इन्होंने दिया अगर इसे आ गए या महा दिया अगर या किसी है ना इतना बड़ा मज़ा तो आ रहा है भाई जो मेरे पीछे दो बंदे थे ना वो हो गए गायब और अभी अभी हमें गाड़ी वाले ने बताया कि पीछे कोई सा एक्सीडेंट हो गया किसी का दोनों R6 से हम पता नहीं किसके के बजाय उन दोनों में से किसी की चुद गया कोई अभी देखते जाके कैसी ना चलो अपना इंस्ट्रक्टर आ गया कंफर्म हो गया ही क्रैश हो गया बंदे का चलो देखने चलते हैं क्या सीन है क्या नहीं है निकल दिन की माँ मैंने कर दी गलत जगह डस्टबिन है Thank you.
जांच पड़ताल करते भाई की भाई लोग हो गया, टेस्ट मिल गया लाइसेंस, बाकी सीन हो गया वो क्रैश वाला, वो तो मैं दिखा ही दिया, वो भी बात करते हैं उसके बारे में। अभी मैं एजेंसी जा रहा हूँ एक बाइक देखने, देखते हैं अभी बैटरी ख़त्म हो जाए इसको चार्ज कर लेता हूँ। हाँ तो भाई लोग इधर आ गया हूँ मैं, यहाँ वहाँ की डीलरशिप पे, यहाँ पे एक बाइक देखनी है मुझे, उसको देखते हैं पहले, फिर क्या सीन है क्या नहीं देखते हैं, टेस्ट राइड ले लेते हैं, शायद देखता हूँ क्या बनता आगे। हाँ तो भाई लोग बाइक मैंने देख ली है, तो मैं दिखा देता हूँ स्नीक पिक थोड़ा सा, वो पीछे लगी हुई है तो बढ़िया है, अभी देखते हैं घर जाके सोचता हूँ क्या करना है क्या नहीं। बाकी हो गया टेस्ट, अब घर जा रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग यहीं तक था, चलो ध्यान रखना, जय बोले। तो भाई लोग ब्लॉग अभी एंड हुआ नहीं है, अभी चाचा के घर आ गया मैं, थोड़ा मैंने पेट पूजा कर जाते हैं क्योंकि रास्ते में आता है, तो थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते हैं, थोड़ा गेम शेम भी खेलते हैं छोटू के साथ। चलो फिर देख दिखाते हैं तुम्हें।